सरकार के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2022 से 23 के लिए धान खरीद की खरीद के लिए घोषणा कर दी गई है। बता दें कि धान खरीद की शुरुआत 1 नवंबर से की जाएगी, इसके बाद लोग धान खरीद सकते हैं। वहीं वैसे किसान जो खरीफ विपणन वर्ष 2022 से 23 में भाग लेना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए कृषि या सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। बताते चले कि धान खरीद से जुड़ी सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए या फिर आवेदन करने के लिए 14 अक्टूबर 2022 से लिंक को एक्टिव कर दिया गया है। यहां जाकर किसान सभी जानकारी विस्तृत रूप से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर हम सरकार की ओर से घोषित किए गए धान की मूल्य की बात करें तो वैसे धान जो ए ग्रेड की श्रेणी में आते हैं उनका न्यूनतम मूल्य सरकार की ओर से 1,960 रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं वैसे धान जिनकी गिनती साधारण श्रेणी के धानों में की जाती है उनकी न्यूनतम मूल्य 1,940 रुपए प्रति क्विंटल सरकार की ओर से निर्धारित किया गया है। बताते चले कि सरकार के द्वारा इस साल भी धान चावल खरीद का लक्ष्य रखा गया है। इस साल के द्वारा पिछले वर्ष की तरह ही 45 लाख मीट्रिक टन धान और 20 लाख मीट्रिक टन चावल खरीद का लक्ष्य रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धान की खरीद की शुरुआत बिहार के उत्तरी हिस्से में 1 नवंबर से शुरू की जाएगी। वहीं बिहार के दक्षिणी हिस्से में धान की खरीद की शुरुआत 15 नवंबर से की जा रही है। सरकार के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि धान की खरीद 31 मार्च 2023 तक चलती रहेगी, यानी कि वैसे लोग जो धान की खरीदारी करना चाहते हैं उनके पास 31 मार्च 2023 तक का समय है। धान की खरीद की इस अवधि में सभी किसान अपने क्षेत्र के निर्धारित केंद्रों पर ही धान की बिक्री कर सकते हैं। वहीं इस बार भी धान की खरीद पैक्स और व्यापार मंडल के जरिए ही की जा सकेगी। इसके साथ ही धान को बेचने पर जो भी अधिप्राप्ति की राशि होगी वो सीधे किसानों के खातों में जाएगी। बता दें कि इस बार धान की खरीदारी को लेकर सरकार के द्वारा विशेष निगरानी रखी जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष खरीद केंद्रों पर अनियमितता को रोकने और गुणवत्ता की जांच करने के लिए सहकारिता और खाद्य विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन को भी निर्देश दिया गया है। वहीं इस बार धान की खरीद 3 चरणों में की जाएगी। बिहार सरकार का मानना है कि बिहार में कई ऐसे जिले हैं जहां 1 नवंबर तक धान पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाता है। इसके अलावा दिसंबर और नवंबर का महीना ऐसा होता है जिस समय वातावरण में नमी की मात्रा भी काफी अधिक होती है। इन्हीं कारणों को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा यह निश्चय लिया गया है कि इस वर्ष धान की खरीद को 3 चरणों में किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।